वाराणसी जिला अदालत ने दोनों वादियों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट प्रदान करने का निर्णय लिया है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को दावा किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी मस्जिद के अंदर एक बड़े हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। 839 पेज की ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है वह 17 AD में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद एक भव्य हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद की वर्तमान पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का हिस्सा है। कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये ASI ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। उन्होंने दावा किया कि अदालत के आदेश पर किए जाने वाले सर्वेक्षण के दौरान दो तहखानों में हिंदू देवताओं की मूर्ति के अवशेष पाए गए हैं। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन। पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशन। मतलब जो हिंदू मंदिर के खंभे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। माइन्यूट स्टडी ऑफ पिलर्स एंड पिलास्टर्स इन कॉरिडोर सजेस्ट दैट दे वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल। फॉर देयर रीयूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर व्याला फिगर्स कार्व्ड ऑन ईदर साइड ऑफ लोटस मेडेलियन वर म्यूटिलेटेड एंड आफ्टर रिमूविंग द स्टोन मास फ्रॉम द कॉर्नर्स दैट स्पेस वॉज डेकोरेटेड विद फ्लोरल डिजाइन। This observation is supported by two similar plasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन pillars में जो carvings थी उसको भी destroy किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा reuse किया गया। जैन ने ये दावा किया कि ASI ने कहा कि हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नवकाशीदार वास्तुशिल्प के सदस्य दबे हुए पाए गए। हिंदू deities and carved architectural members were found buried अंडर द डम्प सॉइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प सॉइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प सॉइल इन सेलार S2। नेचर एंड एज। अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं। Existing architectural remains, decorated moldings on the walls, Karna Ratha and Prathi Ratha of central chamber, a large decorated entrance gate with Trona on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of Lalat Bimba, birds, animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। The Arabic Persian inscription found inside a room mentions that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहां पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड पार्ट ऑफ इट वॉज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये ASI की फाइंडिंग। वकील ने कहा कि सर्वेक्षण में देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में लिखे 32 शिलालेख भी पाए गए। सर्वे अ नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर नोटिस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एंड प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अ टोटल ऑफ 34 इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रेजेंट सर्वे एंड 32 स्टैम्पेजेस वर टेकन। दीज आर इन फैक्ट इंस्क्रिप्शंस ऑन द स्टोन of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction, repair
ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। दे इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस इन दी देवनागरी ग्रंथा तेलुगु एंड कन्नड़ स्क्रिप्ट्स। री यूज ऑफ अर्लियर इंस्क्रिप्शंस इन द स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट द अर्लियर स्ट्रक्चर वर डिस्ट्रॉयड एंड देयर पार्ट्स वर री यूज इन द कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वजू खाना क्षेत्र को सील कर दिया गया था, जिसकी पहचान हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फवारा कहा। वजू खाने की हिस्ट्री ये है कि जब माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर साहब ने इस पूरे परिसर के एडवोकेट कमीशन का आदेश दिया था तो 7 और 8 मई 2022 को यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 14, 15 और 16 मई 2022 को एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 16 मई 2022 को इस सो कॉल्ड वजू एरिया में एक शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए थे, सामने आए थे स्पष्ट रूप से, और उसके बाद तुरंत हमने कोर्ट में आवेदन दिया था कि शिवलिंग के एरिया को सील कर दिया जाए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 16 मई 2022 को बुध पूर्णिमा के दिन सोमवार को सीलिंग का ऑर्डर पारित किया था और वो उसी दिन सील हो गया था। उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा 17 मई 2022 के ऑर्डर से और 20 मई 2022 के ऑर्डर से और 11 नवम्बर 2023 के ऑर्डर से वो सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट रहा। अब इसमें हमने तुरंत एप्लीकेशन दी कि उस वजू टैंक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, उस शिवलिंग की भी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए उसको बिना डैमेज किए हुए। यहाँ पे कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि अगर शिवलिंग की जांच होगी तो वो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा और हमारे जितने पक्षकार हैं शिवद्रोही हैं, ये सारी बातें यहाँ पे उठाई गई। बहरहाल माननीय न्यायालय ने उसको 14 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 12 मई 2023 को शिवलिंग की एएसआई जांच के आदेश दे दिए। इस ऑर्डर के खिलाफ जो इस शिवलिंग को फाउंटेन कह रहे थे, इस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन निजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को इस पूरे एएसआई जांच के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगा दिए और अभी जब वजू टैंक का में काफ़ी मछलियां मर गई थी तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उसकी साफ़ सफाई की जाए, उसकी क्लीनिंग की जाए। उस साफ़ सफाई के दौरान हमने कोर्ट में ये भी बात रखी थी कि यहाँ पे एएसआई जांच होनी चाहिए और एएसआई जांच पे जो स्टे लगा हुआ है उस स्टे को वेकेट करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमसे कहा है कि आप इसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन उच्चतम न्यायालय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, जो हम देने जा रहे हैं और उसके बाद वहां पे भी एएसआई जांच होगी और ये समझ में आएगा कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन। अब क्या पोजीशन है? अब इस समय वजू एरिया सील्ड है, उसमें 8 ताले लगे हुए हैं और जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में है और इस समय जो पानी है वो पूरा पानी हटाया जा चुका है, पूरा एरिया साफ और क्लीन किया जा चुका है और उसकी इस समय सुपुर्दगी उसकी जो कस्टडी है इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी के पास। अब जो शिवलिंग तथा कथित कह रहे थे आप लोग कि अब वो उसके पूजा पाठ के लिए भी कुछ, पहले तो ये सिद्ध हो कि वो शिवलिंग है, हमारी बहुत ही एक मैकेनिकल और बड़ी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। हम ये मानते हैं कि वो शिवलिंग है पर जब तक एक एक्सपर्ट बॉडी एएसआई ना कह दे कि वो शिवलिंग है तब तक उसको कैसे तय किया जा सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो जो वजू टैंक की जो दीवारें हैं उस दीवारों को हटाया जाए और हमारा ऐसा मानना है शिवलिंग काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फर्स्ट फ्लोर पर हमें मिला था तो ये काफ़ी नीचे तक गया हुआ है, जड़ से निकलता हुआ है शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है और इसका अर्घा भी सारी चीज़ें वहाँ पर आसपास मिलेंगी। तो जब वजू टैंक की दीवारें टूटेंगी तो वो सारी चीज़ें सिद्ध होंगी और उसके बाद जब सिद्ध हो जाएंगी तो उसके बाद तुरंत पूजा का पाठ का अधिकार हमें मिलना चाहिए। जिला अदालत द्वारा पिछले साल 21 जुलाई को एक आदेश पारित करने के बाद एएसआई ने मस्जिद का सर्वेक्षण किया था ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। पिछले सप्ताह बुधवार को जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को दी जाएगी। फिलहाल रिपोर्ट हिंदुओं के पक्ष में है, देखते हैं कि राम मंदिर के बाद क्या वाराणसी में एक और हिंदू मंदिर का निर्माण होगा या नहीं।